हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक वसुधा भाग 6 तथा रफ कॉपी भी निकाल लीजिए और आज का सेशन अटेंड कीजिए। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वचन। पिछली कक्षा में हमने आपको वचन की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ाया था। आज की कक्षा में हम एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, इन वचन परिवर्तन के नियमों को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य आपको एक वचन से बहुवचन के सही रूप को पढ़ना और लिखना आ जाए। पहले हम कुछ शब्दों और चित्रों पर नजर डालते हैं। वचन यानी संख्या, आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। किताब, किताबें। माला, मालाएं। बिल्ली, बिल्लियां। चिड़िया, चिड़ियां। छाता, छाते। छात्र, छात्रगण। तो बच्चों, हमने देखा कि इन सभी एकवचन शब्दों का जब हम बहुवचन रूप में परिवर्तन कर रहे हैं तो सभी बहुवचन शब्दों के पीछे अलग अलग मात्राएं लगाकर हम उनका रूप बदल रहे हैं। इन्हीं वचन परिवर्तन के नियमों का आज हम इस सेशन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 57 निकाल लीजिए और पढ़ते हैं वचन परिवर्तन का पहला नियम। वचन परिवर्तन का पहला नियम, अ का ए में परिवर्तन। यानी शब्दों के अंतिम अक्षर के साथ यदि अ की आवाज आती है और वे सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो, यानी मेज, आंख, बहन, दवात, रात, पलक, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इन शब्दों के साथ बहुवचन बनाते समय पीछे ए की मात्रा और बिंदी लगा दी जाती है। जैसे पहला शब्द पढ़ते हैं मेज, तो इसका बहुवचन क्या बना? मेजें, मकोए, ज के पैर में बिंदी, छोटी ए की मात्रा, पीछे बिंदी, मेज, मेजें। आंख, आंखें। बहन, बहने। दवात, दवाते। पुस्तक, पुस्तकें। प को छोटा उ, आधा स, त, क को ए, पीछे बिंदी, पुस्तकें। आप भी इन स्पेलिंग्स को और नियमों को मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और इन स्पेलिंग्स को याद कीजिए। तो आपने देखा इन सभी एकवचन शब्दों का अंत अ की ध्वनि से हो रहा है और इनका बहुवचन बनाते समय हमने पीछे ए की मात्रा और बिंदी का प्रयोग किया। वचन बदलने का दूसरा नियम, आ का ए में परिवर्तन। यानी जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा लगी हो और वे सभी शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हों, जैसे कथा, आशा, माता, महिला, माला, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों के वचन बदलते समय शब्द के पीछे ए और ऊपर चांद बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे कथा, कथाएं। आशा, आशाएं। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। म, ह को छोटी ई, ल को आ, ए और ऊपर चांद बिंदु। इसी तरह माला, मालाएं। शाखा, शाखाएं। तो आपने देखा ये सभी शब्दों का अंत आ की मात्रा पर हो रहा है और ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्दों का बोध करा रहे हैं। वचन परिवर्तन का तीसरा नियम, आ का ए में परिवर्तन। यानी जिन शब्दों का अंत आ की मात्रा पर होता है और ये सभी शब्द यदि पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे लड़का, कपड़ा, घोड़ा, बच्चा, कैमरा, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों के वचन बदलते समय
आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा में बदल दिया जाता है, जैसे लड़का, लड़के। तो आ की मात्रा हटाकर हमने कौन सी मात्रा लगाई, छोटी ए की मात्रा। कपड़ा, कपड़े। घोड़ा, घोड़े। पंखा, पंखे। बच्चा, बच्चे। तो आपने देखा ये सभी शब्दों का अंत अ की मात्रा पर हो रहा है और ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। वचन परिवर्तन का चौथा नियम, ई का इया में परिवर्तन। यानी जिन शब्दों का अंत बड़ी ई की मात्रा पर हो रहा हो तो ऐसे शब्दों के बहुवचन बदलते समय बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और शब्द के पीछे यकवा ऊपर चांद बिंदु या लगा दिया जाता है, जैसे नदी, नदियां। तितली, तितलियां। मछली, मछलियां। लकड़ी, लकड़ियां। मिठाई, मिठाइयां। मिठाई की स्पेलिंग देखो, माँ को छोटी ई, ठकुआ बड़ी ई। तो बड़ी ई परिवर्तित होकर छोटी ई में बदल गई है। माँ को छोटी ई, ठकुआ छोटी ई, यकुआ ऊपर चांद बिंदु मिठाइयां। तो ये सभी शब्दों का अंत बड़ी ई की मात्रा पर हो रहा है और बड़ी ई परिवर्तित होकर छोटी ई में बदल रही है और पीछे यकवा ऊपर चांद बिंदु लग रहा है। तो आप ये सभी शब्द जो है मेरे साथ साथ दोहराएं और इन्हें बोलना सीखें। ये बच्चों अब पेज 58 पर चलते हैं, जहां पढ़ते हैं वचन बदलने का पांचवा नियम, या का या में परिवर्तन। अर्थात जिन शब्दों का अंत या पर होता है तो उन शब्दों के वचन बदलते समय या पर चंद्र बिंदु लगाकर उसका बहुवचन बना दिया जाता है, जैसे चिड़िया। यहाँ चिड़िया एक है और इसका बहुवचन चिड़ियां, यहाँ चिड़ियां अनेक है। इसी तरह गैया, गैयां। गकोय, यकोआ ऊपर चांद बिंदु गैयां। चूहिया, चूहियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। डिबिया, डिबियां। गुड़िया, गुड़ियां। ग को छोटा उ, ड को छोटी ई, य को आ ऊपर चांद बिंदु। तो इन सभी शब्दों का अंत या पर हो रहा है और हम या पर चांद बिंदु लगा रहे हैं, जिससे ये अनेक शब्दों में परिवर्तित हो रहे हैं। बच्चों अब पढ़ते हैं वचन परिवर्तन का छठा नियम, ऊ तथा आओ के साथ ए लगाकर। जैसे जिन शब्दों का अंत छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आओ के साथ होता है तो ऐसे शब्दों के पीछे छोटी ए और ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे धेनु। ध को ए, न को छोटा ऊ। तो इसका वचन बनाते हैं धेनुए, ध को ए, न को छोटा ऊ, ए के ऊपर चांद बिंदु। धेनु, धेनुए। धातु, धातुए। वस्तु, वस्तुए। व आधा स, त को छोटा ऊ, ए के ऊपर चंद्र बिंदु वस्तुए। ऋतु, ऋतुए। रि ऋषि, त को छोटा ऊ, ए के ऊपर चंद्र बिंदु ऋतुए। बहु, बहुए। यहाँ बहु पर बड़ा ऊ लगा है तो बड़ा ऊ बदल कर छोटा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा बहुए। ब, ह को छोटा ऊ, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। अगला नियम परसर्ग सहित, परसर्ग में कारक चिन्ह, जैसे का, से, ने, को, पर, ये सभी कारक चिन्ह है। परसर्ग सहित संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर का यो अथवा ओ में परिवर्तन। मतलब शब्दों का बहुवचन रूप परिवर्तित करते समय अंत में यो या ओ लगा दिया जाता है, जैसे हाथी, हाथियों। और इसके साथ जो लगा
कारक चिन्ह है, प्रसर्ग जो है वो वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। हाथी का, हाथियों का, हकुआ, थ को छोटी ई, य को ओ, पीछे बिंदी, हाथियों। नल से, नलों से, घर में, घरों में, धोबी ने, धोबियों ने, बाबू का, बाबुओं का, बकुआ, ब को छोटा ऊ, ओ, पीछे बिंदी, बाबुओं का। कबूतर को, कबूतरों को, छात्र ने, छात्रों ने, सड़क पर, सड़कों पर, गली में, गलियों में। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन रूप बदलते समय उनके साथ वर्ग, वृंद, जन, गण, दल तथा लोक शब्द लगाकर उनका बहुवचन रूप बनाया जाता है। ये सभी शब्द समूह को दर्शाते हैं। जैसे पहला शब्द दर्शक, दर्शक मीन्स ऑडियंस। दर्शक का बहुवचन रूप बनाते समय इसके साथ हम गण शब्द लगाएंगे। दर्शक गण मतलब दर्शक एक वचन और दर्शक गण मतलब बहुवचन कि दर्शक अनेक संख्या में है। प्रजा, प्रजा मीन्स पब्लिक। प्रजा जन। छात्र, छात्र गण। नेता, नेता गण। पक्षी, पक्षी वृंद। पक्षी वृंद मीन्स पक्षियों का समूह। मजदूर, मजदूर वर्ग। गुरु, गुरुजन। सज्जन, सज्जन लोक। मित्र, मित्रजन। तो बच्चों, ये थे वचन परिवर्तन के नियम। अब हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो वचन के दोनों रूपों अर्थात एकवचन और बहुवचन दोनों में एक समान प्रयोग होते हैं। जैसे फल, बालक, प्रेम, फूल, क्रोध, ऋषि, पेड़, साधु आदि। अब जैसे हम पेड़ से वाक्य बनाएं कि आंगन में पेड़ लगा है, इट मीन्स यहाँ एक पेड़ की बात हो रही है और यहाँ पेड़ एक वचन के रूप में आया है। और इसी पेड़ शब्द से हम दूसरा वाक्य बनाते हैं, आंगन में कई पेड़ लगे हैं, इट मीन्स यहाँ कई शब्द लगने से पेड़ जो है वो अनेक होने का बोध करा रहा है। तो पेड़ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान प्रयोग हो रहा है। बच्चों, अब आपने इन वचन परिवर्तन के नियमों का अच्छे से अध्ययन करना है और इन डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को रिवाइज करना है। हम जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।